और खुश आमदीद आपको उर्दू की क्लास में। मैं आपको बताती चलूं कि आज हमारी उर्दू की आखिरी क्लास है। आज हम लोग बुक्स का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सारी किताबें खत्म हो गई हैं। जी हाँ, हमारी पूल भी खत्म हो गई, हमारी नर्दबानी उर्दू भी खत्म हो चुकी है। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक तस्वीरी कहानी जो कि मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के रखी है। जी आप वो तस्वीरी कहानी करेंगे, तस्वीर को देखकर, और फिर मुझे बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन, यहां से ये तस्वीर। अब एक्चुअली बड़ी नहीं हो रही तो आपको इसी में चीजें करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? कबूतर, हाँ जी। और दूसरी तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? कि एक बंदा उनको खाना खिलाने के लिए बुला रहा है और दूसरा जो कबूतर है वो मना कर रहा है कि नहीं नहीं रुको, वो देखो उसने जाल बिछाया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। जब सारे कबूतर दाना चुगने के लिए चले गए तो शिकारी ने उनको जाल में फंसा लिया। वो सब बहुत परेशान हुए, हाँ जी। और आखिर को एक दाना कबूतर ने कहा कि सब लोग ऐसे करो कि जाल को लेकर उड़ जाओ, हाँ जी। मतलब कि उस जाल को जब सारे कोशिश से उठाएंगे तो वो जाल को लेकर उड़ जाएंगे। ये थी कहानी, कबूतर जाल ले उड़े और इत्तेफाक में बरकत है, हाँ जी। ये ठीक है, चलिए अब कहानी कबूतर जाल ले उड़े। कहानी का टाइटल है कबूतर जाल ले उड़े। कहानी हम शुरू करेंगे, एक दफा का जिक्र है कि कुछ कबूतर दरख्त पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। कि अचानक उनको एक आदमी ने दावत दी कि वहां खाना दस्तयाब है, सब आ जाओ और खा लो। एक दाना कबूतर ने सबको मना किया लेकिन उसकी बात किसी ने ना सुनी। जैसे ही वो खाना खाने लगे एक बड़ा सा जाल उन पर आ गिरा। सब कबूतर जाल में फंस गए। अब सब बहुत परेशान हुए। एक दाना कबूतर बोला चलो सब मिलकर जाल को ले उड़ते हैं। और इस तरह पूरी ताकत से कबूतर जाल ले उड़े। ये थी कहानी जो हमने आज तस्वीरी कहानी की है। ठीक है,
ये हमारी तस्वीरी कहानी थी, आप इसको देखकर लिखें। तो फिर हम लोग, मैं आपसे अलविदा कहूंगी, ठीक है? ये हो गया बच्चों आपका काम। सब बच्चों ने तस्वीरी कहानी लिख ली है। चलिए मैं आपको आज इसी खुशी में आपको एक कहानी की वीडियो भी दिखा देती हूँ, जो आपके अपने चैनल के, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने चैनल ही की वीडियोस देखते हैं। ठीक है, अभी मुझे देखने दें, मैं आपको क्या दिखाऊं। वक्त की अहमियत, हाथी मेरा साथी देखिए आप, ये वीडियो आपने नहीं देखी। फिर हम अपना लेक्चर वाइंड अप करेंगे और ये हमारी ताजा लेक्चर है, ठीक है? एक दफा का जिक्र है मेरे चिड़िया घर में, एक था हाथी और एक बंदर। हाथी और बंदर दोनों ही थे साथी, सैर करता रहता था वो उसके अंदर। छेड़ता रहता था मुझको वो बंदर, पर मजा आता था मुझे उसके अंदर। एक दिन बंदर हो गया बीमार, हाथी को लगा बहुत बुरा। मैं भी हो गया थोड़ा परेशान, लेकिन होगा सब भला। हाथी आया बंदर लाया, हाथी मेरा साथी बंदर ने बुलाया। हाथी मेरा साथी, हाथी मेरा साथी, हाथी मेरा साथी, हाथी साथी। ठीक है, ये हो गई आपकी पॉइंट। तो चलिए बच्चों, हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। मैं आपसे इंशाल्लाह फिर मिलूंगी और बहुत सारी बातें करेंगे। आपकी वीडियोस आपके चैनल पर दस्तयाब हैं, प्लीज उनको बार बार देखिए अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में कुछ कर सकें। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एडवर्ड चैनल हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर। अल्लाह हाफिज़।